ओके बच्चे, लेट्स प्रोसीड विद अवर लेक्चर। इसको मैं पार्ट थ्री कहूंगा। तो मैं आप लोगों को मेटाफिजियल जो फ्रैक्चर्स थी उनकी उनकी नेचर बता रहा था कि पहले मैं तीन मेटाफाइसिस ड्रॉ कर देता हूं, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं कि इनके फ्रैक्चर्स की टाइप क्या होती है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेटाफाइसिस की जो फ्रैक्चर लाइन है वो एक्स्ट्रा आर्टिक्यूलर हो सकती है, ठीक है। यानी कि ये देखें, ये डिस्टल एंड है ना लॉन्ग बोन का, तो लॉन्ग बोन के डिस्टल एंड पे यूजली कोई ज्वाइंट बनता है, तो ज्वाइंट से अवे है, एक्स्ट्रा आर्टिक्यूलर है फ्रैक्चर लाइन। नंबर टू, पार्शियली आर्टिक्यूलर। पार्शियली आर्टिक्यूलर का क्या मतलब है कि यहाँ पे ये ज्वाइंट बन रहा है तो ये थोड़ी सी तो जो फ्रैक्चर लाइन है वो ऊपर की तरफ पास कर रही है लेकिन नीचे भी आ रही है, तो इसका क्या मतलब है कि आधा फ्रैक्चर जो है वो आर्टिकुलेशन से ज्वाइंट से ऊपर है और आधा ज्वाइंट के अंदर आ रहा है, ठीक है। तीसरा जो टाइप है बच्चे, उसका मुराद है कंप्लीटली इंट्रा आर्टिक्यूलर। इंट्रा आर्टिक्यूलर फ्रैक्चर ऐसा होगा जो कि बिल्कुल ज्वाइंट के पास होगा, फॉर एग्जाम्पल ये फ्रैक्चर लाइन है कोई, ठीक है। तो मेटाफिजियल फ्रैक्चर भी थ्री टाइप्स के हैं, एक्स्ट्रा आर्टिक्यूलर, पार्शियली एक्स्ट्रा आर्टिक्यूलर एंड कंप्लीटली इंट्रा आर्टिक्यूलर, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे जो लास्ट डिजिट बनता था, मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी 2 2 A 2 फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने आपको कहा था पहले डिजिट से बनता है कौन सी लॉन्ग बोन इन्वॉल्व है, दूसरे डिजिट से बनता है बच्चे कि कौन सा लॉन्ग बोन का पार्ट इन्वॉल्व है, तीसरे अल्फाबेट से बनता है बच्चे कि लॉन्ग बोन का जो पार्ट इन्वॉल्व है उसके फ्रैक्चर की नेचर क्या है, और चौथे डिजिट से क्या बनता है। चौथा डिजिट अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चौथे डिजिट से बच्चे बेसिकली ये मुराद है कि जो फ्रैक्चर है उसकी शेप क्या है, फ्रैक्चर की शेप क्या है बेसिकली। तो फ्रैक्चर की शेप जो है वो आप लोग इस निमोनिक से याद रखें, SOT, ठीक है, SOT, सर्जिकल OT, SOT। S से बनता है, S इज 1, O इज 2, T इज 3। इससे बनता है स्पाइरल फ्रैक्चर, ऑब्लीक फ्रैक्चर या ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ठीक है। ये बात आपने याद रखना है, पहले मैंने नेचर कही थी, अब मैंने शेप कही है। नेचर और शेप को मिक्स नहीं करना। ये बेले की जो लाइनें हैं, जो बेले के लफ्ज हैं, मैंने आपको वो ही बताए हैं, ठीक है। अब बच्चे हम लोग, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे उसको सॉल्व करके अभी इसी वक्त चैट बॉक्स के अंदर बताएं ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आप लोगों को कुछ समझ आया है या नहीं आया। व्हाट डू वी मीन बाय, चलो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि इसको कैसे डिकोड करोगे, क्या मतलब बनता है इसका। सो द आंसर इज बेसिकली 3 फॉर फीमर, ठीक है। 1 जो मैंने आपको डिनोट कराया था इसका मतलब था प्रॉक्सिमल मेटाफाइसिस। बी से बच्चे क्या मुराद था, ये कि ये पार्शियल कॉन्टेक्ट वाला फ्रैक्चर है, बल्कि पार्शियल पार्शियल आप कह लें, पार्शियली एक्स्ट्रा आर्टिक्यूलर है क्योंकि ये मेटाफाइसिस का है। कॉन्टेक्ट वाली बात नहीं करनी, कॉन्टेक्ट वाली जो है वो डायफिसिस के केस में होगी। और फिर 1 से मुराद क्या था, स्पाइरल वेराइटी का फ्रैक्चर है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आप सब लोगों ने आंसर दिया, आई एम हैप्पी। अब हम लोग बच्चे मूव ऑन करते हैं कि व्हाट इज ग्रोथ प्लेट फ्रैक्चर, ठीक है बच्चे। एक एमसीक्यू आप लोगों को आता है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर फ्रैक्चर के लिए सबसे ज्यादा ससेप्टेबल या जो वीक एरिया होता है वो कौन सा एरिया होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बच्चों के अंदर सबसे वीक या ससेप्टेबल एरिया फ्रैक्चर के लिए कौन सा होता है, तो आपने कहना है एपिफिजियल प्लेट का होता है, ठीक है। जो इधर ग्रोथ प्लेट होती है वो वाला एरिया बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा ससेप्टेबल होता है। तो इसी की मुनासबत से जो क्लासिफिकेशन मैं अभी आप लोगों को करवाने वाला हूँ, दैट इज एक्चुअली नोन एज सॉल्टर एंड हैरिस क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन आपको नाम से मुश्किल लगेगी, दिखने में भी मुश्किल लगेगी, लेकिन जब अभी आप लोग करना शुरू करेंगे तो आप लोग कहेंगे ये वाकई में ही आसान थी, ये मुश्किल नहीं थी। तो बच्चे सॉल्टर एंड हैरिस क्लासिफिकेशन को समझने के लिए पहले आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट ये बता दूं कि बोन के पार्ट्स यहाँ पे हमने कौन से डिस्कस किए हुए हैं बेले ने, क्योंकि बेले ने ना बोन को लेबल नहीं किया हुआ कि बोन के एग्जैक्ट पार्ट्स कौन से हैं। बच्चे बार बार कंफ्यूज करते हैं कि पता नहीं फाइसिस क्या है, मेटाफाइसिस क्या है, एपिफाइसिस क्या है। तो गौर से एक दफा समझ लो, मैं तुम लोगों को बोन ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि ये एक बोन है, लॉन्ग बोन है, ये शाफ्ट से हम लोग नीचे आ रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे रेड कलर की एक लाइन है, उसके बाद ये नीचे मैं शो कर रहा हूँ जैसे बेले ने शो किया हुआ ब्लू कलर की एक लाइन है, और इसके बाद नीचे करके दोबारा एक ब्लैक कलर का पोर्शन है। अब इन लाइनों से क्या बनता है, गौर से देखना। ये ऊपर वाला पोर्शन बच्चे डायफिसिस का है, प्लीज इसको अपनी बुक पे लेबल कर लो, जो बेले ने डायग्राम बनाई है उसी के ऊपर कर लो, बी क्विक, डायफिसिस है, इसने शो किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बच्चे आप ये देखो
रेड कलर की लाइन को मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ। रेड कलर की लाइन बेसिकली फ्रैक्चर लाइन है, मैं अभी फ्रैक्चर लाइन को डिस्कस नहीं कर रहा, फ्रैक्चर बताता हूँ किधर किधर होंगे। डायफिसिस के जो डिस्टल एंड है इसके ऊपर नीचे करके होगा मेटाफाइसिस, ठीक है। दरमियान में ये जो ब्लू कलर का एरिया है इसको आपने याद रखना है, ये ब्लू कलर का जो एरिया है बच्चे, दिस इज एक्चुअली फाइसिस, ग्रोथ प्लेट वाला एरिया, और फाइसिस के नीचे जो एरिया आपको मिलता है दैट इज एपिफाइसिस। तो प्लीज इसको नोट कर लें कि बोन का जो लोअर एंड है इसमें पहले डायफिसिस है फिर मेटाफिसिस है, यानी कि फाइसिस को सैंडविच किया हुआ है मेटाफाइसिस और एपिफाइसिस ने, ठीक है। ये पार्ट्स आपको क्लियर हो गए, अब मैं आप लोगों को जितनी भी क्लासिफिकेशन है वो डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले साल्टर एंड हैरिस क्लासिफिकेशन वन के अकॉर्डिंग जो बोन का लोअर एंड है उसके अंदर, अब मैं आप इधर जस्टिफाई कर रहा हूँ ये डिस्टल एपिफिसिस है, मैं यहाँ पे मैं फाइसिस सिर्फ ड्रॉ करूंगा, इसी एक डायग्राम पे मैं छह की छह टाइप्स बताने की कोशिश करूंगा। ये मेटाफाइसिस है, ये फाइसिस है और ये एपिफाइसिस है। टाइप वन क्लासिफिकेशन ये कहती है कि फ्रैक्चर लाइन जो है वो फाइसिस के अलोंग पास कर रही है बस, लेकिन उसने फाइसिस को डिसरप्ट नहीं किया। फ्रैक्चर लाइन पासिस अलोंग फाइसिस, इट डज नॉट डिसरप्ट फाइसिस, ठीक है। फ्रैक्चर की जो सेकेंड टाइप है ये क्या कहती है, टाइप टू बच्चे, ये एडवाइस कर रही है कि फ्रैक्चर लाइन ने थोड़ा सा मेटाफाइसिस को इन्वॉल्व किया है लेकिन फाइसिस अभी भी अनडिस्टर्ब्ड है। तो ये मेटाफाइसिस है, मेटाफाइसिस से फ्रैक्चर लाइन होता हुआ फाइसिस के अलोंग ट्रेवल कर रहा है। दिस इज टाइप टू हैरिस एंड सॉल्टर क्लासिफिकेशन। और यहाँ पे बच्चे मैं आप लोगों को इस चीज को क्लियर कर दूं कि ये आपके प्रॉफ का एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉल्टर एंड हैरिस ग्रेडिंग इज द मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ इंजरी इन चिल्ड्रन। सो टाइप टू इज द मोस्ट कॉमन वेराइटी जिसके अंदर मेटाफाइसिस की तो इंजरी होती है लेकिन फाइसिस अनडिस्टर्ब जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चे टाइप थ्री वेराइटी ऑफ सॉल्टर एंड हैरिस क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि जो फ्रैक्चर की लाइन है वो बच्चे एपिफाइसिस को इन्वॉल्व कर रही है, ठीक है, और साथ फाइसिस को भी इन्वॉल्व कर रही है। जो मैंने आपको टाइप टू बताया था बच्चे, टाइप टू के अंदर कभी कभी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फाइसिस की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए। तो मैं ग्रीन लाइन को थोड़ा सा फाइसिस के अलोंग शो कर देता हूं ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, जो टाइप थ्री है बच्चे इसके अंदर आप एपिफाइसिस की इन्वॉल्वमेंट है, तो एपिफाइसिस की इन्वॉल्वमेंट शो करने के लिए मैं आप लोगों को ये डायग्राम ऐसे शो करता हूँ, ये देखो ऐसे, यानी कि फाइसिस की भी इन्वॉल्वमेंट हो गई थोड़ी सी और एपिफाइसिस की भी हो गई, दिस इज ग्रेड थ्री। अच्छा, ग्रेड फोर क्या है, ऐसी फ्रैक्चर लाइन जो कि फाइसिस और मेटाफाइसिस और एपिफाइसिस तीनों के अंदर से गुजर गई है। तो इसको मैं कैसे ड्रॉ करूंगा बच्चे, और से देखना ऐसे, ये मेटाफाइसिस भी इन्वॉल्वड है, फाइसिस भी इन्वॉल्वड है, एपिफाइसिस भी इन्वॉल्वड है, ये हो गई टाइप फोर। टाइप फाइव क्या है बच्चे, टाइप फाइव भी बहुत आसान है कि क्रश इंजरी टू द फाइसिस, सिर्फ फाइसिस की क्रश इंजरी अगर हो यहाँ पे ऐसे, फाइसिस की क्रश इंजरी को टाइप फाइव कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप ये देखें कि जो टाइप सिक्स है वो क्या है, टाइप सिक्स से मुराद है पेरिकॉन्ड्रियल ट्रॉमा, ठीक हो गया, इंजरी टू द पेरिकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर्स बाय डायरेक्ट ट्रॉमा, यानी कि इस बोन के ऊपर जो छोटी छोटी ऐसे करके पेरिकॉन्ड्रियम लगी हुई है इसके आर्टिकुलर एंड्स पे, इसको अगर ट्रॉमा हुआ है तो दैट वुड बी टाइप सिक्स। आई होप कि आप लोगों को सॉल्टर एंड हैरिस क्लासिफिकेशन जो है वो समझ आई होगी, क्यों, क्योंकि सॉल्टर एंड हैरिस क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग बच्चों के अंदर इसको यूज करते हैं बच्चों की फ्रैक्चर्स को स्टडी करने के लिए कि कहीं बच्चे के अंदर किसी जगह पे ग्रोथ प्लेट की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। मैं आप लोगों को इसकी सिग्निफिकेंस ये बता रहा हूं, अगर आपसे कोई पूछे तो आपने भी यही बतानी है कि सॉल्टर एंड हैरिस क्लासिफिकेशन जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें बताती है कि बच्चे की ग्रोथ प्लेट की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। अगर बच्चे की ग्रोथ प्लेट की इन्वॉल्वमेंट है देन वी गेट वरिड और हमें टाइमली मेजर्स लेने होते हैं, जो जो हम ले सकते हैं, वरना सारे हम नहीं ले सकते क्योंकि कुछ चेंजेस इरिवर्सिबल भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपको यह पता होना चाहिए अगली हेडिंग जो बेले ने दी है कि इंजरी को रिस्पॉन्सेज जो हैं वो किस किस तरह के आते हैं, रिस्पॉन्स टू इंजरी क्या क्या होता है। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बोन हीलिंग यूजुअली दो तरह से हो सकती है, प्राइमरी बोन हीलिंग होती है, सेकेंडरी बोन हीलिंग होती है। जो प्राइमरी बोन हीलिंग है बच्चे उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट बोन हीलिंग, ठीक है, और जो सेकेंडरी बोन हीलिंग है बच्चे उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट बोन हीलिंग। ये आपको पता होना चाहिए।
बोन हीलिंग का टॉपिक मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। आप सब लोग थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की पैथोलॉजी में बोन हीलिंग की टाइप्स पढ़ के आए हैं, यू आर गोइंग टू रीड दिस टॉपिक योर सेल्फ। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताऊंगा कि जब किसी बंदे को इंजरी होती है और हम उसकी इंजरी को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, उसकी लॉन्ग बोन की इंजरी को रिड्यूस करने की या ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो उसके आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं। बेसिकली तीन तरह के आउटकम्स होते हैं, लेकिन बेले ने एक आउटकम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे के उसको अलग से बताया है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ क्यों, क्योंकि वो है ही इतना इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली कभी भी किसी लॉन्ग बोन की अगर इंजरी हो और हम लोग उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें या उसको ट्रीट करने की कोशिश करें, ऐसे अलाइन करने की कोशिश करें, तो उसके तीन आउटकम्स निकल सकते हैं जो कि एडवर्स होंगे। गुड आउटकम तो यही होगा ना कि बोन जुड़ जाए और किसी किस्म की कोई डिफॉर्मिटी ना हो, किसी किस्म की कोई मॉल यूनियन ना हो। एडवर्स आउटकम क्या होते हैं वो हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले है बच्चे मॉल यूनियन, यानी कि बोन के दोनों एंड्स आपस में जुड़ तो गए हैं लेकिन अच्छे तरीके से नहीं जुड़े। ठीक है, अच्छे तरीके से ना जुड़ने से क्या मुराद होती है? अच्छे तरीके से ना जुड़ना तो एक बड़ी लेमैन टर्म है ना। अच्छे तरीके से ना जुड़ने का मुराद यह है कि शायद उनके बीच में कोई थोड़ा सा ऐसे ना एंगल आ रहा है। ठीक है, ये देखो ऐसे करके एंगल आ रहा है, दे मे बी एंगुलेटेड। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मॉल यूनियन। जुड़ तो गए हैं पर अच्छे तरीके से जुड़े नहीं है। बिल्कुल ऐसे जैसे दो दोस्तों के बीच में कोई लड़ाई हो, वो लोगों को दिखाने के लिए आपस में सुलह तो कर लें लेकिन उनके दिल में मैल हो, तो उसको मॉल यूनियन कहेंगे। दूसरा बच्चे आप ये देखो कि दूसरी जो टाइप है दैट इज एक्चुअली नॉन यूनियन, यानी के बोन के जो दो एंड्स हैं, ये नीचे वाला एंड और ये ऊपर वाला एंड, ये कभी जुड़े ही नहीं। ठीक है, और कोई क्लिनिकल रेडियोलॉजिक हमें एविडेंस नहीं मिला इनके जुड़ने का। अब नॉन यूनियन है वो बेसिकली तीन तरह की हो सकती है। कौन कौन सी? एट्रोफिक नॉन यूनियन, हाइपरट्रोफिक नॉन यूनियन और इन्फेक्टेड नॉन यूनियन। आपसे प्रॉफ का एमसीक्यू पूछा जाएगा टिपिकली कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नॉन यूनियन, तो आपने कहना है इन्फेक्टेड। इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नॉन यूनियन ऑफ बोन्स, नॉन यूनियन। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, ये तो हमें समझ आ गया कि इन्फेक्टेड टाइप जो है मॉल यूनियन की, उसकी कॉज है ही इन्फेक्शन, कोई जरासीम है। लेकिन एट्रोफिक और हाइपरट्रोफिक नॉन यूनियन की क्या कॉजेज होती हैं? एट्रोफिक नॉन यूनियन जो है ये लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से होता है, इस्कीमिया की वजह से होता है। अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपरली मिल ही नहीं रही बोन के दोनों एंड्स को, जो कि फ्रैक्चर जिनका हुआ है, तो वो आपस में कैसे जुड़ेंगे? और हाइपरट्रॉफिक जो नॉन यूनियन है वो एक्सेसिव मूवमेंट की वजह से होता है कि आपने बोन को रिड्यूस तो कर दिया, आपने पेशेंट को भी इंस्ट्रक्ट किया और आपने वो मेजर्स भी लिए कि पेशेंट की बोन जो है वो बहुत ज्यादा मोबिलिटी ना शो करे जो जिसमें फ्रैक्चर हुआ हुआ है, लेकिन पेशेंट को आराम नहीं आता, पेशेंट नॉन कंप्लायंट है, वो बार बार हिलता जुलता है बच्चों की तरह। ठीक है, तो वो भी नॉन यूनियन की वजह बनेगी और ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉज है। उसके अलावा बच्चे जो तीसरा एडवर्स आउटकम आता है दैट इज एक्चुअली नोन एज डिलेड यूनियन। बोन यूनियन तो हो गई लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, एक लड़का है 26 साल का, अल्लाह ना करे अगर उसको फ्रैक्चर हुआ है तो उसके अंदर जो बोन यूनियन है वो तो हो गई है 4 वीक्स के, 3 मंथ्स के बाद। ठीक है, 3 मंथ्स तक हो गई है। दूसरा लड़का है वो भी 26 साल का है, उसको भी उसी बोन के अंदर इंजरी हुई है लेकिन उसकी जो बोन की यूनियन है वो हो रही है 6 माह के बाद, तो इसका मतलब है उसके अंदर क्या है? डिलेड यूनियन, ये आपने याद रखना है। ठीक है, डिलेड यूनियन के अंदर मल्टीपल पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स आ सकते हैं, लेकिन एक बात जनरली बताऊंगा कि जो अपर लिम्ब के फ्रैक्चर होते हैं वो जल्दी हील करते हैं कंपेयर टू लोअर लिम्ब के फ्रैक्चर। ठीक है, अपर लिम्ब को जो ब्लड सप्लाई है वो ज्यादा अच्छी जा रही है, लोअर लिम्ब के अंदर ग्रेविटी के और इन चीजों के बहुत ज्यादा मसाइल हैं। तो बच्चे आपका जो लेक्चर था अभी का वो यही था। अब जब हम लोग इंशाल्लाह ताला रात को मिलेंगे तो हम लोग फ्रैक्चर मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे जिसके अंदर आता है रिडक्शन, स्टेबिलाइजेशन के डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे और रिहैबिलिटेशन पढ़ेंगे। एक चीज मैं आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये जो आपकी बेले की बुक के अंदर दिया हुआ है एक हेडिंग दी है अगले पेज पे, मैनेजमेंट बाय टाइप एंड रीजन, के आपको ये बताया गया है कि स्पेसिफिकली हर बोन को कैसे हम लोग जोड़ते हैं,
ये वाला टॉपिक आप लोगों को करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है फाइनल ईयर के बच्चों को। फाइनल ईयर के बच्चों को सिर्फ ये जो मैंने बेसिक्स बताई हैं सारी क्लासिफिकेशन की, ये आनी चाहिए और प्रिंसिपल्स आने चाहिए ऑर्थोपेडिक के, जिसको कहते हैं रिडक्शन, स्टेबिलाइजेशन एंड रिहैबिलिटेशन। बस ये मैं आप लोगों को डिटेल में करवाऊंगा रात को इंशाल्लाह ताला। रात को मिलते हैं, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज। और बच्चे एक बात, अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया या ठीक लगा है और आप लोग चाहते हैं कि आपके बाकी दोस्त भी फायदा उठाएं, तो उनको कहें कि फेसबुक पे मौजूद जो फॉर्म है उसको लाजमी फिल कीजिए। मैंने पिछले साल भी बच्चे काफी ज्यादा लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं और इस साल भी मैं आप लोगों को पूरा साल सर्जरी के लेक्चर्स प्रोवाइड करता रहूंगा, ओनली इफ यू एडहेयर टू व्हाट यू हैव बीन टॉट। ठीक है, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज।